हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार और सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वाटर लिलीज हैं, अभी मेरे गार्डन में, टेरेस गार्डन में हो रही हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एक और विंटर फ्लावर ग्लॉक्जीनिया। एक्चुअली मैं ग्लॉक्जीनिया विंटर फ्लावर नहीं है, यदि इसको प्रॉपर पॉटिंग सॉइल मिल गई और इसकी अच्छे से देखभाल हुई तो ये साल भर फ्लावरिंग करता है। तो मैं बताती हूँ आपको पॉटिंग सॉइल किस तरीके से बनाना है इसकी। ये जो आप देख रहे हैं ये है कोकोपीट, और कोकोपीट के ऊपर ये जो सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं ये है ट्राइकोडर्मा, ये एक एंटीफंगल पाउडर है। साथ ही आप ये जो देख रहे हैं ये परलाइट है। मैंने एक हिस्सा कोकोपीट लिया है, आधा हिस्सा कोकोपीट का, आधा हिस्सा मैंने परलाइट लिया है। यदि आपके पास में परलाइट नहीं है तो आप रेत छानने के बाद में जो मोटी बजरी बचती है वो ले सकते हैं। और कोकोपीट का आधा हिस्सा मैंने लिया है वर्मी कॉम्पोस्ट। तो इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। और ये जो है फ्रेंड्स, ये सैपलिंग्स हैं मेरे पास में, ग्लॉक्जीनिया की सैपलिंग्स हैं। और इनको यदि आप सीड से तैयार करना चाहते हैं तो सीड्स लगाने के लिए बेस्ट है कि आप अगस्त एंड में लगा दीजिए, तो ये सीड से तैयार हो जाते हैं। फ़िलहाल फ्रेंड, ये जो ग्लॉक्जीनिया है ये मेरे पास में डबल वैरायटी, डबल पेटल्ड है। ये मेरे पास में कुछ पॉट्स थे, अच्छा होगा यदि आप एक साइज़ के लिए, मेरे पास में एक साइज़ नहीं थे। मैंने कुछ लिए हैं, ये 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच के मेरे पास में पॉट्स हैं। टेराकोटा पॉट्स सबसे बेस्ट होते हैं लेकिन मेरे पास में अवेलेबल नहीं थे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन सभी पॉट्स को जो है इनके होल्स मिट्टी के ठीकरे डाल के या टूटे हुए गमले के ठीकरे डाल के या पुराना दिया रख के हम इसे होल्स को बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद में सभी पॉट्स में आप इतनी पॉटिंग सॉइल डालिए, आधी आधी। ये सभी में देखिए पॉटिंग सॉइल काफ़ी लाइट वेट है, आप देख रहे हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा, बहुत लाइट वेट है। और पॉटिंग सॉइल भरने के बाद में आप इनको, इसको अच्छे से दबा दें ताकि यदि कोई एयर पॉकेट्स हों तो वो भर जाएं, क्योंकि एयर पॉकेट्स जो हैं ये प्लांट रूट्स को ख़राब कर देते हैं। तो इस तरीके से आप दबा दीजिए बीच में, और क्योंकि हमको यहाँ ही प्लांट करना है। बहुत अच्छे से आप दबा दीजिए। दबाने के बाद में हर होल में आपको जो है डालना है बोन मील। ये है मेरे पास में बोन मील, ये फॉस्फोरस की और रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करता है, साथ ही जो है ये फ्लावरिंग भी इंड्यूस करता है प्लांट्स में। तो ये सभी होल्स में जो है हम थोड़ा थोड़ा, 1 टीस्पून या के आसपास मैंने जो ये है ये बोन मील मैंने डाला है। और इसको आप दबा दीजिए अच्छे से। इनको जो ये जो सैपलिंग्स हैं इनको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं। और सेम यही मेथड जो है ये अफ्रीकन वायलेट्स जो मेरे भाई बहन ग्रो करते हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो ये देखिए, ये एक तो आप देख रहे हैं बहुत छोटी सी है, ये सैपलिंग बड़ी नाजुक सी है, ये देखिए इस तरीके से आहिस्ता से। मैंने एक शैलो ट्रे में लगा कर रखी थी जब मैं लेकर आई थी, उसके काफ़ी छोटे छोटे आए थे मेरे पास में। और ये देखिए, ये शेड लविंग प्लांट है, इसलिए आप इन्हें लगाने के बाद भी छांव में रखिए और ऐसी जगह रखिए जहां उनको सुबह की सिर्फ आधे घंटे की धूप मिले या फिर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में, ये बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। तो इसकी देखिए फ्रेंड्स, रूट्स पहले से टूटी हुई थी और जो है इसमें नीचे इसके बॉल भी, क्योंकि ये जो सैपलिंग्स हैं इनके नीचे बल्ब भी फॉर्मेशन होने लगता है। तो यदि आपका प्लांट कभी ऐसा हो कि गल जाए या सूख जाए तो आप उसको एक तरफ रख दीजिए और उसमें हल्का हल्का पानी स्प्रे करते जाइए, नेक्स्ट सीज़न आते तक उसमें अपने आप से स्प्राउट्स जो हैं वो आने लगते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम जो है सभी प्लांट्स को लगा देंगे और पॉटिंग सॉइल से इनको आहिस्ते से दबा देंगे। देखिए,
और अभी लगाने के बाद में आप इनको टोटल शेड में रखिए कम से कम एक हफ्ते के लिए। हालांकि इनकी जड़ें खुली नहीं हैं, लेकिन इनको शेड में ही रखिए आप। ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ से बहुत अच्छे से इनको दबा दीजिए। वैसे तो इनके रूट्स में नमी थी, पर यदि आप पानी डालना चाहते हैं, अभी मैंने इनको अभी पानी दिया नहीं, मैं थोड़ी देर बाद दूंगी जब अपने सारे पौधों को वाटरिंग करूंगी तब उस दौरान मैं इनको दूंगी। और अगली वाटरिंग जो है आप तभी कीजिए जब इनकी जो सॉइल जो है वो ड्राई आउट हो जाए। और देखते रहिए कोई इंसेक्ट्स वगैरह तो नहीं लग रहे हैं, कोई इन्फेस्टेशन तो नहीं हो रहा है। और जो लीव्स बीच में यदि आपको प्रोपेगेट करना है तो लीव्स के बीच में कट कर दीजिए, लीव्स को लगे रहने दीजिए, सिर्फ मिडरिप जो होती है वहाँ कट कर दीजिए। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे वहाँ पर कैलस फॉर्म हो गया है और वो जो है न्यू प्लांट बनाने के लिए वो रेडी हो जाता है। देखिए इस तरीके से हमने सारे अपने ग्लॉक्सिनिया के प्लांट्स लगा दीजिए, ये कटिंग भी थी इसे भी मैंने लगा दिए। और बस ये देखिए हमारे जो प्लांट्स हैं ये लग के रेडी हैं। तो इसके जो भी अपडेट्स होंगे फ्रेंड्स, इसमें जब फ्लावरिंग होगी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। आप लिक्विड फीड दे सकते हैं वंस इन अ वीक इसको, जो भी आपके पास में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल साबित होगा, आपको पसंद आएगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आपके कोई कॉमेंट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझे लिख भेजिए। हम और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए, अपने प्लांट्स को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।